माँ के दरबार में बहुत ही ज्यादा श्रद्धालुओं का उत्साह रहता है। सभी लोग नहा धोकर व्रत रखकर माँ के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है और सब खुश होकर माँ के दरबार से लौटते हैं। माँ के दरबार में जैसे माँ भगवती माँ मनसा देवी का नाम मनसा देवी है, तो माँ के दरबार में जिस भक्त की भी जो भी मनसा हो माँ भगवती उसकी वो मनसा पूरी करती है और माँ को और भक्तों को सुख समृद्धि से लाभान्वित करती है। माँ के दरबार में पूरे भारतवर्ष से और विश्व के कई क्षेत्रों से भी माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ के दरबार में हो सके तो, क्योंकि सभी लोग व्रत रखते हैं, इसलिए फलों का और व्रत संबंधित जो आगे लोगों को बांटा जा सकता हो, भक्तों को बांटा जाए, मावे का और मिश्री का ऐसा फल लगाना चाहिए जो लोग व्रत में खा सके। माँ के दरबार में चुन्नी फूल प्रसाद सुगंधित अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य से माँ का श्रृंगार और पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के रूप में और माँ नाग कन्या मनसा देवी के रूप में दो रूपों में माँ यहाँ एक ही पिंडी के अंदर विराजमान है। और काफी सुखद अनुभूति है, अच्छे से दर्शन हुए माता के और माता की कृपा से सभी काम होते हैं। सिद्ध पीठों में से एक है तो माता के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ आ पाया हूँ और उम्मीद है आगे भी माता मुझे मौका देती रहेंगी, मैं आगे शक्तिपीठ में जा सकूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा है, नवरात्रि में दर्शन मिल गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, माता रानी के दर्शन हो गए, बस बहुत अच्छा लगा। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, कुछ ना कुछ मनोकामना लेके आते हैं और हर साल पूरी भी करती है माता रानी। इस साल दोबारा आए हैं कुछ और मनोकामना के साथ, ये भी पूरी होगी, भगवान करेगा फिर से आएंगे अगले साल दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत जयकारे लग रहे हैं हर जगह पे माता रानी के। बोल साचे दरबार की जय।